अर्शी 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 रुको, अर्शी कहाँ जा रही हो? मॉम मुझे जाना ही पड़ेगा, अनिल अभी भी मेरा हस्बैंड है। इस वक्त कोई पराया इंसान उसके माथे से पूजा का फूल टच कर रहा है और मैं यहाँ खड़ी हुई देखती रहूं। देखो अर्शी, आज तक मैंने तुमसे कहा नहीं, लेकिन अब तुम्हें बता रही, उस जनक को अब इस दुनिया में जीने का बिल्कुल हक नहीं है, उसका अंत शुरू हो गया है। अब इसके आगे मैं उसे बढ़ने नहीं दूंगी, समझी? और जहां अर्शी चौंकती है अपनी माँ की ऐसी डरावनी बातें सुनकर, पर जाती है अन्नी की आईसीयू के तरफ, पर सृष्टि की गंदी सोच अब भी प्लान तो बना ही रहा होगा छनक के खिलाफ। वहीं अब यहाँ क्या कर रही हो? बदले में मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप यहाँ क्यों नहीं थी अर्शी दीदी? ऐसी कौन सी जगह पे थी, ऐसा क्या कर रही थी जो यहाँ पर नहीं थी आप? जनक! और अब अर्शी इतने गुस्से में है कि वो बस चिल्ला पड़ी उस जनक पर, जिसके चलते आज अनी की तबीयत में सुधार आई है। तुम्हारी इतने हिम्मत, अब मेरी बेटी से जवाब मांगोगी तुम? हाँ, और तुम यहां क्यों आई हो? ये सिचुएशन तुम जानती थी ना, इसलिए तुम यहां आई हो। तुम्हें पता था अनिरुद्ध और अर्शी अब्रॉड जाने वाले, इसलिए तुम यहां आई और यहां आके ड्रामेबाजी कर रही हो। ड्रामेबाजी? ऑफ कोर्स ड्रामेबाजी। जितना अनी बीमार नहीं है, उससे कई ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो तुम लोग। अच्छा, अब मेरे साथ साथ आप डॉक्टर्स पे भी उंगलियां उठा रही हैं? अरे अभी भी वक्त है, देरी नहीं हुई अर्शी दीदी। ना पहले कभी मैं आपकी खुशियों के बीच में आई हूँ, ना ही आगे आऊंगी, लेकिन सर जी पे अगर कोई मुसीबत आएगी, वो बीमार पड़ेंगे, तो मैं यूं ही दौड़ी भागी उनके पास चली आऊंगी। और अब अर्शी झनक से ऐसी बातें सुनती है तो उसकी तो होश ही उड़ जाती है। मतलब झनक अनी को कभी छोड़ने वाली तो नहीं, बस कुछ गलत फहमियाँ हैं उसके दिमाग में अर्शी और अनी के रिश्ते को लेकर। उसे लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इस बार तो मैं अनजाने में आई, लेकिन अगर उन्हें कुछ भी होता, वो बीमार पड़ते, तो उनकी उनकी खबर मुझ तक जरूर पहुंचती और तब मैं आती। तो बोलिए, बोलना क्या चाहती हैं आप? जनक, तुमने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, सिर्फ मेरी ही नहीं अनी की भी। क्यों? सर जी ने आपसे ऐसा खुद कहा है? शट अप! तुम्हें क्या लगता है, छोटी बच्ची हूं मैं, मुझे समझ नहीं आता? तुमने मेरे और अनी के बाहर जाने के प्लान पे ना पानी फेर दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ताकतवर हूं। हर्षी, इससे बातें मत कर, इसे पहले यहां से बाहर निकालो। हर्षी दीदी, खुद को सरजी की पत्नी मानती है ना? अरे बीमार है अभी आपके पति, और कुछ ही देर में उनको ऑपरेशन के लिए भी लेकर जाएंगे, तो आप मुझ पर क्या वक्त बर्बाद कर रही है? और अब जब तक जहां पूरा परिवार ही इकट्ठा हो गया है, वहीं झनक अब अर्शी से करती है सवाल और उसके पत्नी होने की पहचान मांगती है। इस वक्त आपको उनकी सलामती की, उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए है, क्योंकि मुझसे लड़ने के और कई मौके मिलेंगे आपको अर्शी दीदी। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। देख लीजिए आप सब, यहाँ ओटी के सामने भी ये किस तरह से ड्रामा कर रही है। और इतना कुछ हो जाने के बाद भी
हमारी फैमिली के कुछ लोग इसको अभी भी सपोर्ट करेंगे। और इशारा किधर है वो तो पता है सबको, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके तरह नीचे नहीं गिरे अब भी रिश्तों को लेकर। जनक, यहाँ पर सारे लोग तुम्हें बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं देंगे। अनी से मिली? कैसा है वो? छोटू, सर जी अभी बेहतर है, लेकिन डॉक्टर्स थोड़ा और स्टेबल करेंगे उनको, उसके बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर लेके जाएंगे ऑपरेशन के लिए। और जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते ना, मैं यही रहूंगी। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं इधर ही हूं। और मैंने माँ से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ सर जी के लिए प्रार्थना की है, और ये मन्नत उन्हें पूरी करनी होगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपने विश्वास पे अटल रहूंगी। पर अब ये सब बातें अर्शी को हजम ही नहीं हो रही। जनक बोले जा रही है और सब खड़े होकर सुन रहे हैं उसकी बातें और यकीन भी कर रहे हैं। पर इन्हें क्या पता कि साफ बोलने वाले लोग कड़वे जरूर होते हैं, पर धोखेबाज कभी नहीं हो सकते। आगे भी देखना ना भूलिएगा कि आखिर अब अर्शी क्या करती है, जहां आज उसने झनक और अनी के रिश्ते को खत्म कर देने का प्लान बनाया है। खासकर सृष्टि की बोली बात अब उसे ठीक लगने लगी है कि अब झनक को हटाना ही होगा अपने रास्ते से। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की आने वाली नेक्स्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियोस को लाइक और कमेंट करना भी ना भूलिएगा।